मैं सिर्फ तिपरा मौथा के लिए बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज से इतिहास में पहले बार होगा कि एक एससी सीट से एक आंचलिक पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है जो सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगा आने वाले बाय इलेक्शन में। तिपरा मौथा ने सुरमा से कैंडिडेट दिया है, एससी सीट है, और ये शायद पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी ने एक एससी रिजर्व सीट से, इतिहास ऑफ त्रिपुरा में पहले बार होगा कि हमने कैंडिडेट दिया है। आज से पहले जो हमारे लोग थे उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि एक रीजनल पार्टी के लिए वोट करें। ये पहले बार उनके पास एक अवसर है कि ये अपना आंचलिक पार्टी को समर्थन दे। आज तक जो भी वहाँ में थे उनको सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या तृणमूल को वोट करने का एक ऑप्शन था, एक आंचलिक पार्टी का कभी ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन हमने कर दिया है और इससे और एक चीज़ भी हमने प्रूफ दिया है, सबको सबूत दिया है कि तिपरा मौथा कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सब कम्युनिटी के संग है, सब धर्म के साथ है, और हमारा जो डीएनए है वो सेक्युलर है, हमारा डीएनए किसी के खिलाफ नहीं है। और जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रोटेक्शन, तिपरा सा का प्रोटेक्शन के बारे बात करते हैं, किसी और का अधिकार छीनने के बारे बात नहीं करते। जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वो अपना अधिकार के बारे कम, दूसरे का अधिकार छीनने के बारे ज़्यादा बात करते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे ज़्यादा बात करते हैं, किसी और का संवैधानिक राइट हटाने के बारे बात नहीं करते। आपको और एक बात मैं बोल दूं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, 10,323 टीचर्स, आज तक सब ने कहा है कि 10,323 टीचर्स का जो उनका एक समस्या का हल होना चाहिए। हमने एक, हमारा एमएलए कैंडिडेट खुद ही एक विक्टिम है 10,323 टीचर्स का। मैं चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार खुद असेंबली जाए और असेंबली में 10,323 टीचर्स के बारे बात करें, क्योंकि ये सोल्यूशन हमें चाहिए। हम बात कम करते हैं, हमने एक कैंडिडेट दिया है जो एक्चुअली सफर किया है जिसने, और मैं चाहता हूं कि यही कैंडिडेट जाकर असेंबली में अपने बारे बोले। मेरे संग यहां में और दो पार्टीज हैं जिन्होंने तिपरा मौथा को इस बाय इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमारे लिए प्रचार भी करेंगे। टुवर्ड्स माय राइट इज माय ओल्ड कोलीग हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूजन बिस्वास, एंड आई ऑल्सो हैव बिलास कुंडू हुज गॉट हिज ओन पार्टी और अ ब्रिगेड फॉर द एससी पीपल। मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मौथा के खिलाफ बहुत दुर्प्रचार हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन किया है आज आप देख सकते हैं कि उनका स्थिति त्रिपुरा में अच्छा नहीं है। और त्रिपुरा जिस अगले सात महीने में आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत चीज़ बदलेगा, और उस चेंज में तिपरा मौथा भी शामिल होगा। तिपरा मौथा इज़ रेडी एंड ऑन द ग्राउंड एंड वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आर कोर आइडियोलॉजी। वी वॉन्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एंड वी विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर दैट, बट वी विल ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु कैनॉट स्पीक। हम उनको भी मौका देना चाहते हैं जो ट्राइबल नहीं भी हो तभी भी उनको त्रिपुरा में जगह नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला है। और ये जो मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा था, आज ये कैंडिडेट देकर मैंने साबित कर दिया कि तिपरा सा कम्युनल कभी नहीं हो सकता है। तिपरा सा का दिल बड़ा है, तिपरा सा ने यहाँ में सबको शरण दिया है, और तिपरा सा सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने के लिए नहीं। ये बात रख के आई वुड लाइक मेंबर्स ऑफ
द टीडीपी टीडीएफ, यहाँ में मेरे ओल्ड एडवाइजर भी है तापोष बाबू, ही वॉज द कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा लगता है तापोष बाबू को यहाँ देखकर। पुण्यता चाकमा है मेरे मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर राजेश्वर है यहाँ में। अनंत बाबू है मेरे कैंडिडेट यहाँ में है, प्रार्थी यहाँ में है हमारे। अनंत बाबू है यहाँ में, बिलास कुंडू है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी कुछ सवाल पूछें। थैंक यू। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज सुदीप्ता ने ओपनली बोला कि सुरमा में जो वो लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको क्या कहना? थैंक यू वेरी मच। कोई भी हमें सपोर्ट करे मैं क्यों ना बोलूं? अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूंगा। ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और मुझे उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं सीपीएम को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। मैं बीजेपी को भी बोलूंगा कि मुझे कीजिए। तृणमूल है आज 10,323 का एक टीचर, एक हिंदुस्तानी एससी, वो फाइट कर रहा है। आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक 10,323 का एक कैंडिडेट अगर एमएलए बनकर असेंबली में अपने लोगों के बारे बात करेगा तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा। सी राइट नाउ वी हैव लुक्ड एट द एंटायर डेमोग्राफिक्स एंड वी हैव सीन दैट वी हैव अ साइजेबल इन्फ्लुएंस इन सुरमा। And agar if there is elections tomorrow, let's say there is elections announced in Amarpur, we'll definitely fight. If there is elections announced in Teliamura, we'll definitely fight. Mohanpur, we'll definitely fight. There are many seats, Matabari, Dhanpur, Amarpur, we are also Pani Sagar. So there are many seats, Kalyanpur. Oh, are Chitrababu's here. Kamalpur. Kamalpur we have a very strong presence. So we will fight. We are there. We have zeroed in 35 seats, but tomorrow we can even fight in 50 seats, 55 seats. We are growing. Somebody else is reducing. So we are in a growth stage, but our core ideology will not be compromised. Past municipal elections, there have been a lot of allegations about poll rigging and all. Do you think these elections are going to be free and fair? Allegations? Madam, I've got two eyes. I saw the amount of violence in the municipal elections. Allegation is different. Allegation is when you cannot have proof. You have a mobile phone. There is proof that the violence which took place in the municipal election has shamed all of us. There was allegations that I got attacked during the TTAADC election in the SDM's office. There is video evidence, yet nobody has been arrested. So I am extremely worried that if tomorrow Agartala again comes in the national news for all the wrong reasons, for the violence, then as a Tripuri, as a citizen of Tripura, be it a Manipuri, Tiprasa, a Bengali, for any community, Hindu, Muslim, Christian, we'll all feel ashamed, because that is not how a democracy should conduct elections. So yes, I would appeal to the chief election commissioner, and I would also appeal to the police that please ensure that there is law and order. If there is violence in Tripura and the government does not ensure law and order, then we all know who's to blame. ये किसने कहा है? अच्छा, तो मैं अभी फोन करता हूँ उनसे और मैं पूछता हूँ, क्योंकि जिष्णु देव वर्मा हैज नॉट बीन करता, ही मे बी माई अंकल, बट ही इज नॉट बीन मैंडेटेड टू स्पीक टू मी। मैंने अपना बात अमित शाह के सामने रखा था,
मैंने अपने बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखा था, मैंने अपना बात एडवोकेट जनरल के सामने रखा था, मैंने अपने बात सबके सामने रखा है। और आपको क्या चाहिए ऑफिशियली? चिट्ठी मैंने सबमिशन दिया था, हमारा पोजीशन क्लियर है। अच्छा चलिए, मेरा बात को मत मानिए, आईपीएफटी ने तो एक डिमांड रखा था 2018 के पहले टिपरालैंड के बारे, उसमें क्यों नहीं बात कर रहे? वो तो उनका अलायंस पार्टनर है। और ग्रेटर टिपरालैंड का जो मेरा डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। अब किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अखंड भारत चाहता हूं, ग्रेटर टिपरालैंड होबे ना, क्या ये ग्रेटर टिपरालैंड क्या खालिस्तान मूवमेंट है क्या? ये तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है, हम क्या देश से अलग होना चाह रहे हैं? और जो देश से अलग होना चाहते थे वही बीजेपी में बैठे हैं आज।